दोनों बहुत प्रेम करते थे। किससे शादी हुआ? हम अपना ननद से शादी कर रखे हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम शुभकला देवी। तुम्हारी ननद का क्या नाम? ननद का नाम सुने, हम जी सकते ना वो जी से, वो भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। ननद का क्या नाम हुआ? ननद का नाम सोनी देवी। नेगेटिव न्यूज में आपका स्वागत है। समस्तीपुर में अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला प्रकाश में आया है, जहां शुक्ला देवी को 10 साल पहले अपने ही छोटी ननद से प्यार हो गया। 5 साल पहले दोनों ने अपने ही घर में शादी कर ली और पति पत्नी की तरह रहने लगे। एक दिन सोनी की बड़ी बहन उषा घर पहुंची और अपनी बहन को भाभी के पास से ले गई। इसको लेकर गुस्साई भाभी ने थाने में पहुंच गई। मामला समस्तीपुर के रोसड़ा थाना के ढरहरा गांव का बताया जाता है। ननद भौजाई का यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्ला देवी ने इस मामले को लेकर रोसड़ा थाने में आवेदन भी दिया है, जिसमें बताया है कि उसका शादी 2013 में हुई थी, उसको 2 बच्चे भी हैं। इसी दौरान उसको अपने ननद से ही प्यार हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ा कि 5 साल पूर्व शुक्ला देवी ने ननद सोनी से शादी रचा ली और दोनों पति पत्नी जैसा रहने लगे। शुक्ला की शादी की सूचना उसके पति प्रमोद को मिली, लेकिन दोनों के रजामंदी के कारण कुछ नहीं बोला। शुक्ला का आरोप है कि शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे उसकी बड़ी ननद उषा करीब 10-15 लोगों के साथ उसके घर पहुंची और उसकी पत्नी सोनी को अपने साथ ले गई। शुक्ला ने अपनी बड़ी ननद उषा पर सोनी के अपहरण का आरोप लगाया। शुक्ला का कहना है कि वह सोनी के से बहुत प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती। थाना पर पहुंची शुक्ला का पति भी हाँ भरते हुए कहा कि उसको जो अच्छा लगता है वह करे, वह शुक्ला के साथ है। पूरा मामला को लेकर थाना अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ने बताया कि शुक्ला नामक महिला ने आवेदन दिया है, जांच की जा रही है। भाभी ननद का यह मामला शुक्रवार से सुर्खियों में है। वही अगर आप नेगेटिव न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि लगातार आप खबरों से अपडेट रह सके और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। लड़की लड़की में शादी कर रखी है, परिवार के लेके उसको बहन स्कॉर्पियो से आया था और उसको बाद 4-5 ई रिक्शा भी था, 10 मोटरसाइकिल था, हमको परिवार को उठा के ले गया है, मोतीपुर ले गया। शादी कैसे हुई? शादी हम दोनों बहुत प्रेम करते थे। किससे शादी हुआ? हम अपना ननद से शादी कर रखे हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम शुभकला देवी। तुम्हारी ननद का क्या नाम? ननद का नाम सोनी देवी। ननद से कैसे शादी कर रहे? बहुत उनसे प्रेम करते थे, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनका बिना ने हम जी सकते ना वो जी से, वो भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। ननद का क्या नाम हुआ? ननद का नाम सोनी देवी। वो ननद कहाँ रहती है? ननद को लेकर हम ढरहा में रहते थे, वहाँ से ले गए हैं। और ये दोनों बच्चे किसका है? ये दोनों बच्चा मेरा ही है। फिर ननद से कैसे शादी कर ली हो दोनों बच्चे आपके? ननद से शादी मेरा ननद बहुत मानती थी, हम भी उनसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, और मेरा बिना नहीं जिस समय काम पर था, हम दोनों काम पर था। क्या नाम बताए आप? शुभकला देवी। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय झाबालाल दास। आपका मातृक कहाँ है? मातृक दात पे रहते हैं। दात पे रहते हैं। तो झाबालाल दास अभी जिंदा है? नहीं, मर गए। मर गए। तो आपका शादी किसके यहाँ हुआ था? भोजा हुआ था हमको, भोजा के साथ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। फिर आपने यहाँ जो है किससे शादी कर लिया? अपना ननद से शादी कर ली। ननद से शादी कर लिया। उसका क्या नाम है? उसका नाम सोनी देवी है। कहाँ रहती है? हम दोनों ढरहा में रहते थे। उसके बाद हम काम पे गए, और जब काम पर गए तो केलाबाड़ी में भी नुकाया। उसके बाद केलाबाड़ी में भी मतलब 10-15 गोटा अलग था, 4-5 ई रिक्शा था, मोटरसाइकिल था, स्कॉर्पियो था, मुदा को उठा के ले गया उसको। कहाँ रखा है उसको? बहन ने बोला हम यहाँ लाए हैं, मोतीपुर आए हैं, मोतीपुर ले गया है। इनसे जो है कब शादी हुआ था आपका? 2013 में। 13 में जी। और आपसे कितने बच्चे हुए हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। एक महिला हो के महिला से शादी कर लिया है? जी जी।
हम उनको बिना नहीं जी सकते। अगर अगर नहीं आएगा तो हम मर जाऊंगा, इतना तो देता हूँ, हम मर जाएंगे। अगर वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, अवश्य मर जाएंगे। थाना में आप क्या कहना चाह रहे हैं? थाना में बोला, उसको बोला पहले बुला के लाओ, अगर नहीं आने देगा उसके बाद हम आवेदन लिखेंगे। शादी को जो फोटो था वहाँ पे दो, हमको आधार कार्ड दो, लड़की का आधार कार्ड दो, उसके बाद हम ला देंगे। देगा नहीं कैसे दे, नहीं देगा, देगा अवश्य काम होगा तुम्हारा। उसको बच्चा है कि नहीं? नहीं, उसको बच्चा नहीं है, वो हमें बहुत खुश है। प्लीज़ हमारी हेल्प करिए।